हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम नरगिसी शामी कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। देखिए, चिकन, ये मैंने बोन चिकन का कीमा ले लिया है, और ये 1 किलो कीमा है, और ये देखिए 1 प्याज कटी हुई इसी में डाल दी है। कीमे को हमने धो लिया है, और ये चने की दाल है 1/2 किलो, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच, और ये 4 अंडे हैं, और ये ऑयल है, और ये गरम मसाला है 2 चाय के चम्मच, और ये 1 चम्मच लाल मिर्ची है। अगर आपको मिर्ची, रेड मिर्ची नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डालें चलेगा। और देखिए, ये 4 प्याज हमने ली है, और ये हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया है काट लिया है, और ये पुदीना है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको हमको कैसे सब बनाना है। ये दाल, चने की दाल जो हमने ली थी, ये धो ली है, और इसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, ये डाल देंगे, और ये जो प्याज कटी हुई रखी थी, एक हमने काट के रखी थी, इसको डाल देंगे, और इसमें जो है, इसमें हमने ये 1 गिलास पानी डाला है, और ये देखिए 1 गिलास हमने इसमें और पानी डाल दिया है, 2 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें करीब 5 से 6 सीटी लगा लेंगे, दाल मेरी गल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, फिर अभी हम आपको बताते हैं दाल गलने के बाद। ये देखिए चने की दाल डाली थी गलने के लिए, देखिए गल गई है, चने की दाल गल चुकी है। अब हम इसमें जो है, ये कीमा जो धो के रखा था, ये डाल दे रहे चिकन का, ये कीमा जो धो के रखा था ये इसमें डाल दिया है चिकन का। अब जो है ये इसमें डाल दिया है, अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे ऐसे, और इसमें पानी बिना डाले ही इसमें हमको 2 सीटी लगाना है, और ये देखिए स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, 2 चम्मच नमक है, ये जितना आपको नमक लगे उतना ही डालिएगा। अब बस हम इसमें ढक्कन लगा के, देखिए हमने ये जो दाल में कीमा डाला था चिकन का, ये पूरा बन गया है, और इसको पूरा भून लिया है ये हमने। अब हम इसको तसले में निकालने जा रहे हैं पीसने के लिए, इसको जो है हम मिक्सर में पीसेंगे। ये देखिए इसको क्या क्या मिलाना है, पीसने के बाद हम आपको, पीसने के बाद इसमें क्या क्या मिलाना है हम आपको दिखाएंगे। 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसको हम घर पे ही बनाते हैं, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये देखिए ये प्याज है, जो आपको प्याज दिखाई थी, प्याज और हरा धनिया और पुदीना है, इसको हम इसमें मिला लेंगे, फिर सब इसको यही मिला लेंगे। ये देखिए इसको मिला लिया, अब बस हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सारा मसाला इसमें मिल जाए अच्छी तरह से, और ये मेरा कबाब तैयार है, नरगिसी शामी कबाब बनेंगे। नरगिसी शामी कबाब बहुत ही टेस्टी होते हैं, देखिएगा आप मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बना के देखिएगा, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। दाल हमने इसमें बहुत कम डाली है चिकन के हिसाब से, तो दाल ज़्यादा डालने से टेस्ट जो है थोड़ा कम हो जाता है, दाल को कम डालेंगे तो टेस्ट बढ़ता है, चिकन ज़्यादा रहना चाहिए थोड़ा, चिकन हो या मटन हो जो भी हो, थोड़ा वो ज़्यादा रहेगा, दाल कम रहेगी तो टेस्ट आता है। अब हम आपको इसको जो है सेकेंगे जब हम आपको बताएंगे। ये देखिए हरी मिर्च आपको दिखाना भूल गए थे, मैंने हरी मिर्च भी पीसी हुई है, इसको इसमें मिलाने जा रहे हैं, मिलाई नहीं थी। ये जो है 8 हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, अब बस हम इसको भी इसमें सब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये कबाब हमने मिला लिया था, आपको बताया था,
अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं, तो इसमें हमने थोड़ा सा ये कटोरी रख देंगे, इसमें थोड़ी धूनी देंगे इसमें। ये देखिए ये यहाँ पे जला लें कोयले को। अब हम इसमें जो है ये कोयले को इसमें रख देंगे, जलता हुआ कोयले को। और हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल डाल देंगे तेल। ये देखिए ये तेल डाल देंगे जलते हुए कोयले पे। ये देखिए ये देखिए इसको बस ऐसा धुआं थोड़ा हो जाएगा अंदर, फिर हम इसको खोल के अभी आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और कबाब को ये देखिए अभी मैंने तेल डाल, इसको डीप फ्राई करना नहीं, थोड़े थोड़े तेल में फ्राई करना है। अभी हम आपको धोनी दे दिया था तो इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। धोनी देने से इसमें कबाब में टेस्ट और बढ़ जाता है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए देखिए ये नरगिसी शामी कोफ्ते हैं, तो इसके लिए जो है ये देखिए बड़ा थोड़ा सा बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। और ये अंडे उबाले थे, ये अंडे हमने गोल आकार में काट लिए हैं। देखिए ये इस तरह से काट लिए हैं और इसको इसमें रख के फिर इसको ये देखिए ये ऐसे करके बंद कर देंगे। और बस ये ऐसे करके जो है, अगर आपको थोड़ा कीमा कम लगे तो और मिला लीजिएगा। ये देखिए तो अंडा दिखना नहीं चाहिए अंदर से। ये सब हम अभी बना के रख लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे तभी में डालते हैं। सो गाइस देखिए ये मेरे ये कबाब हमने इतने रेडी कर लिए हैं। जिस तरह से नरगिसी कोफ्ते बनते हैं उसी तरह से ये कबाब भी बनते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है। और ये देखिए अभी हमने इसका डाल दिए हैं। बहुत ही लजीज लगेंगे खाने में। अब ये हो जाएंगे तो हम आपको इसको पलट के दिखाते हैं। तो सो गाइस देखिए ये एक तरफ से मेरे कबाब रेडी हैं, हम इसको पलट ले रहे हैं। और जो है देखिए ये पलट ले रहे हैं। अंडे की वजह से थोड़ा सा ये कबाब का साइज बड़ा हो जाता है, उसको बस संभाल के देखना पड़ता है, बस ये टूटना नहीं चाहिए। अभी ये देखिए दोनों तरफ से कबाब सिक गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेका है हमने इसको। और बस अभी हम निकाल रहे हैं इसको। एकदम मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट कबाब बने हैं। देखिए ये भी हो गए हैं। और देखिए हम आपको ट्राई करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से रहेगा और ये बहुत ही टेस्ट रहेगा इसमें खाने में। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा और अगर आपको पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें।